नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ मैट्रिक रिजल्ट जब से जारी हुआ छात्र लगातार वेट कर रहे थे कि मैट्रिक रिजल्ट में सुधार करके फिर से कब जारी किया जाएगा तो वैसे छात्रों के लिए बड़ी खबर आ गई है छात्र लगातार कह रहे थे कि उनकी कॉपी की जांच सही तरीके से नहीं की गई है यहाँ पर लाखों छात्र जो हैं वो फेल हो गए थे और वहीं जो छात्र पास हुए हैं वो कहीं न कहीं अपने नंबर से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे थे इसीलिए ने हंगामा भी किया आपको बता दें कि मैट्रिक रिजल्ट जो है वो, वो दोबारा किस दिन जारी होने जा रही है इस पे बड़ी खबर आ गई है पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देंगे ताकि बिहार बोर्ड की हर अपडेट आपको सबसे पहले अभी से एक ट्यूटोरियल पर मिलती रहे छात्र और छात्राएं आपको बता दें कि मैट्रिक रिजल्ट में जो भी कमियां आपने देखी है जिनके मार्क्स कम आए हैं जिनने आरोप लगाए हैं कि उनके ऑब्जेक्टिव के मार्क्स जो हैं वो सिर्फ ऐड किए गए हैं और सब्जेक्टिव का मार्क्स जो है वो ऐड नहीं किया गया है किसी छात्र का ये कहना है कि उनकी कॉपी जाँच जल्दबाजी में की गई है सब्जेक्टिव में अच्छे नंबर नहीं दिए गए हैं जबकि उसने सही से कॉपी दिए थे बहुत सारे छात्र कमेंट में ये भी कह रहे हैं कि अगर मुझे लाइव बैठाकर इंटरव्यू लिया जाए तो भी मैं प्रश्नों के जवाब दे दूंगा। मुझे इतना कम मार्क्स कैसे मिला है पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें छात्रों आपको बता दें कि आप लोग पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे उसके बाद ही कमेंट करेंगे क्योंकि होता क्या है आप बीच में कमेंट करते हो इससे आपको अधूरी जानकारी मिलती है और वो जानकारी वीडियो में बता दी जाती है आप कमेंट में पूछना शुरू कर देते हो इस कारण आपको सही जानकारी नहीं मिल जाती है और आप जो है गुमराह हो जाते हैं इसीलिए जो भी वीडियो देखें वो पूरी जरूर देखा करें आपको बता दें कि इंटर का रिजल्ट भी दोबारा जारी होने जा रहा है जैसा कि कल आपको वीडियो दिया गया था जो भी छात्र वहाँ पे स्कूटनी के लिए आवेदन किए हैं उनके जो है मार्क्स सुधार कर फिर से जारी किया जाएगा रिजल्ट और यहाँ पे मैट्रिक में भी वैसा ही करने का प्रावधान शामिल हो गया है यानी आप लोग का जो स्कूटनी का डेट है वो है आपका दस अप्रैल यानी अगर आप जो है अपने मार्क्स में सुधार करवाना चाहते हैं चाहते हैं कि आपकी कॉपी फिर से जांच करके आपका रिजल्ट के जो दोबारा जारी होगा उस दिन आपका भी रिजल्ट आए तो आप लोग स्कूटनी जरूर से ज़रूर करना यानी जो भी छात्र यहाँ पे स्कूटनी करेंगे उनका जो रिजल्ट दोबारा जारी होने जा रहा है जिस तिथि को उस तिथि को उनका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा तो जो भी छात्र यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं दस अप्रैल से आपका स्कूटनी शुरू है आप लोग स्कूटनी ज़रूर करें जिसके लिए सत्तर बिहार बोर्ड ले रही है साथ ही साथ ये भी बता दे बहुत सारे छात्र बोल रहे है, जा है इसलिए जारी किया जा रहा है कि छात्रों ने आरोप लगाए हैं कि उनके जो मार्क्स है वो सही से नहीं आए हैं उनकी कॉपी जांच सही से नहीं हुई है बहुत सारे छात्र का ये कहना है कि ओवरनाइट नाइट यहाँ कॉपी जांच करवाई गई है जो पहले सुबह में जो कॉपी जांच करवाई जाती थी सुबह से शाम तक उसे रात तक कर दिया गया यानी ऐसा करने के कारण कॉपी जांच सही तरीके से नहीं हुई है और उन्हें डर लग रहा है कि फिर से अगर कॉपी जांच हुई तो क्या उनके मार्क्स कम तो नहीं हो जाएंगे देखिए यहाँ पे जब फिर से कॉपी जांच होती है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी तरह की कोई गलती ना हो इसीलिए फिर से कॉपी जाँच दोबारा कॉपी जाँच में आपके मार्क्स कम नहीं होते हैं इस बात की यहाँ पे बिल्कुल भरोसा रखें बहुत सारे वीडियोज आपको ऐसे मिलेंगे गुमराह करने वाले जिसमें बताया जाएगा स्कूटनी करने से पहले एक बार सोच ले आपके मार्क्स घट भी सकते हैं वो सब वीडियो पे बिलीव ना करें आपके मार्क्स यहाँ पे नहीं घटते हैं ये ऐश्वर हो जाए दूसरी चीज बहुत लोग बोल रहे हैं कि फिर से रिजल्ट जारी होगा तो क्या उस मार्कशीट का वैल्यू होगा या नहीं होगा देखिए अभी ओरिजिनल मार्कशीट अभी तक आपके स्कूल कॉलेज में नहीं आए हैं इसमें अभी टाइम लगेगा क्योंकि जब तक स्क्रूटनी नहीं हो जाता आपका ओरिजिनल मार्कशीट आपके स्कूल कॉलेज में नहीं भेजा जाएगा जो लोग भी यहाँ आस किए हैं किसी का मार्कशीट अभी नहीं भेजा जाएगा स्क्रूटनी हो जाएगा उसके बाद जब दोबारा रिजल्ट जारी होगा उसके साथ ही आपके मार्कशीट जो है स्कूल कॉलेज में भेजे जाएंगे तो आपको कहीं पर यह लिखा हुआ नहीं रहेगा कि आपने दोबारा रिजल्ट में पास किया है ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है तो इसके लिए छात्र सुनिश्चित हो जाए किसी तरह का डर है अपने मन में डर को निकाल दें आपका रिजल्ट फिर से जारी होगा तो आपके मार्कशीट में कोई भी आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा कि कहीं पे कुछ लिखा हुआ ऐसा नहीं मिलेगा सबका जो है सेम मार्कशीट रहेगा उसमें कोई भी आपको ऐसा कुछ नहीं होगा जिसकी वजह से आपको सरकारी नौकरी में लेने में कोई कठिनाई हो ऐसा कुछ नहीं होता है अब बता दे कि आप का रिजल्ट जो मैट्रिक का है वो कब जारी होगा आपको बता दें कि इंटर का जो दोबारा रिजल्ट है वो आपका इसी महीने अप्रैल में जारी होने जा रहा है यानी जब जैसे कि आपको बता दें कि 26 मार्च को जब इंटर का रिजल्ट आया था उसके कुछ दिन बाद पाँच अप्रैल को मैट्रिक का रिजल्ट आ गया था उसी तरीके से यहाँ भी डेट की गैपिंग रखी जाएगी जैसे ही आपका अप्रैल में आपका इंटर का रिजल्ट आता है उसके दस से बारह दिन बाद आपके जो है मैट्रिक के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे यानी आपका मैट्रिक का जो दोबारा रिजल्ट है वो मई के प्रथम सप्ताह में आपका आ जाएगा ठीक है तो बिल्कुल आप लोग घबराए नहीं मई के प्रथम सप्ताह तक आपको फिर से अपना रिजल्ट देखने को मिले जिसमें आपको जो है संतुष्टि मिल जाएगी लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा जिसके लिए आपको 10 अप्रैल से जो स्कूटनी हो रहा है उसकूटनी में आप लोग जरूर से जरूर आवेदन करें तभी आपके रिजल्ट जो है फिर से जारी होंगे जो छात्र फिर से स्कूटनी नहीं कर रहे हैं उनके दोबारा रिजल्ट में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा उनका सेम का सेम रहेगा तो जो लोग पूरी वीडियो देखे होंगे सिर्फ शुरुआत वीडियो नहीं देखे होंगे पूरी वीडियो देखे होंगे ये बात जरूर सुने होंगे कि आपको जो है स्कूटने के लिए आवेदन करना है उसके बाद जो दोबारा रिजल्ट आएगा तभी आपके मार्क्स में सुधार देखने को मिलेगा इस बात को जान लें साथ ही साथ स्कूटनी के लिए आवेदन तभी करें जब आपको ये कंफर्म हो कि आपने सही लिखा था और आपके मार्क्स कम थे सिर्फ इसलिए ना कर दें कि स्कूटनी करने से आपके मार्क्स ऑटोमेटिक आप बढ़ जाएंगे बहुत लोग को ये लग रहा है कि स्कूटनी कर देंगे तो 100 परसेंट मार्क्स बढ़ जाएंगे मार्क्स तब बढ़ेंगे जब आपने सही लिखा होगा आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स कम मिले हैं तभी स्कूटनी के लिए आवेदन करें अगर आपको लगता है कि जितना आपने लिखा है उतना ही आपको मिला है तो आप स्टूटने के लिए आवेदन नहीं करें ठीक है तो मैट्रिक का रिजल्ट दोबारा जो है मई के प्रथम सप्ताह में जारी होने जा रहा है दोपहर के तीन बजे जैसा कि आपको पता है कि मैट्रिक का रिजल्ट जो है साढ़े तीन बजे जारी हुआ था लेकिन लिंक जो है एक्टिवेट हो गया था तीन बजे उसी प्रकार मई के प्रथम सप्ताह में भी दोपहर तो के तीन बजे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो जैसे ही न्यू अपडेट आती है आपको दे दी जाएगी चैनल पर बने रहें